कोरबा के अलग अलग थाना चौकी इलाके में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने हुक्का बार और मेडिकल स्टोरों पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान काफी मात्रा में नशीले पदार्थ समेत आधा दर्जन संचालक पकड़े गए हैं। कोरबा डीसीपी ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बालको, उगा और कोतवाली इलाकों में ये छापामार कार्रवाई की गई। आज जो है नशा चिन्हित अभियान के तहत जिला पुलिस कोरबा के द्वारा एक विशेष टीम बना करके शहर के विभिन्न स्थानों पर, जिसमें कोतवाली है, बालको थाना है, उगा थाना है, इसके तहत विभिन्न जगहों पर छापामारी कार्रवाई की गई है। और उक्त कार्यवाही में जगह जगह पर हमारे पुलिस विभाग के द्वारा खोजबीन किया गया। इसमें एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गोली पाइप। ये रेस्टोरेंट जो है अवैध रूप से हुक्का बार के रूप में संचालित था और यहाँ पर जो है तम्बाकू उत्पाद को जो नाबालिग बच्चों को ये हुक्का के माध्यम से पिलाई जाती।